हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। लास्ट मैंने आप लोगों को राइड रिव्यू अपाचे 310 का दिखाया था और रिव्यू भी बनाया था, तो उसमें काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ओनर से एक बार ओनर एक्सपीरियंस तो लो कि बाइक कैसी चलाने में है और वो इस बाइक के ही तरफ क्यों गए, मतलब इसके इस प्राइस रेंज में, या फिर इससे थोड़ा सा पैसा और डाल करके लाइक आप लोगों के लिए जो RC 390 है उसकी तरफ जा सकते थे, या फिर अगर आप डोमिनार देखते हो तो डोमिनार की तरफ भी जा सकते थे। तो ये सारी बाइक्स कुछ हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पे आ रही थी, तो उसकी तरफ क्यों नहीं गए। तो भाई ये अपना दोस्त है एजे, और भाई एजे कैसे हो? बढ़िया। तो भाई यार मेरे जितनी भी ऑडियंस है सबका यही सवाल है कि भाई इस बंदे ने अपाचे 310R पे ही मतलब क्यों अपना वो बनाया, क्या कहते हैं प्लान। सबसे पहले तो ये ली कितने की थी? ये ली थी ऑन रोड प्राइस पड़ा इसका 291,000। 291,000 तो इंतजार करी थी। अच्छा कैश पेमेंट करी थी। अच्छा इंतजार नहीं किया था उस वाली का जो नया वाली आई है? पता भी नहीं था कि कोई नया वेरिएंट इसका लॉन्च होने। अच्छा पता ही नहीं था तो फिर भाई वैसे भी कुछ ज्यादा अपग्रेडेशन है नहीं। हाँ तो ये चीज भी है भाई, देखो नई वाली इसको पता भी नहीं थी और उन्होंने कुछ खास ज्यादा उसके अंदर चेंजेस नहीं किया है। हाँ तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन ही बस चेंज हुए हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आप लोगों को फीचर्स मिल रहे होंगे। तो भाई ये बाइक आपने मतलब कैसे दिमाग में कैसे आएगी यार अपाचे 310RR ही लेनी है? मैंने बहुत सारी बाइक देखी थी इंटरनेट पे। कौन कौन सी? जैसे लगे थे जैसे RC 390 हो गया, ठीक है, और Ninja 300 हो गया। Ninja 300 ओवरऑल जो इससे 1,00,000 महंगी है। अच्छा हाँ बिल्कुल, RC 390 भी इससे 1,00,000। हाँ अच्छी खासी महंगी है, वही 380 के आसपास में पड़ेगी शायद। तो RC 390 का भी है, पर ये है कि KTM लेता तो लोगों को लगता है यार क्या चला रहा है, मतलब वही वाली बात होती है ना, एक सोसाइटी वाली फीलिंग आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सही सा नहीं लगा मुझे फिर KTM ऐसे नहीं, ओवरऑल बहुत सही बाइक है, रेसिंग है, मजा आता है भाई चलाने में, ऐसी बात नहीं है। हाँ बट वही है अपनी अपनी चॉइस है, तो मेरे को लगा कि RR 310 पे जाना चाहिए। तो देखो भाई अपनी अपनी चॉइस है भाई, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, किसी को अपाचे पसंद है, कोई 390 ही ले सकता है, कोई निंजा भी ले सकता है, तो वो सारी चीजें अपनी तरफ है। और कैसा रिस्पांस रहा है, मतलब तुमने इस बाइक को लिया आज हो गए होंगे मुझे लग रहा है 2 महीने हो गए हैं लगभग, तो कैसा रिस्पांस है बाइक का, क्या कहते हैं परफॉर्मेंस कैसा लगा तुम्हें, चलाने में कैसी लगी, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत ही सही है, अगर कहीं ले जा रहे हो इसे लोग मुड़ मुड़ के तो जरूर देखो। ये चीज तो भाई मैंने देखी है, जितनी बार भी मैंने इसे चलाया ना कोई ना कोई मतलब 10 में से 5 लोग आपसे ये बात पूछ ही देते हैं कि भाई कितने के लिए, कैसा एवरेज है, या फिर बाकी सारी चीजें, मतलब आई कैचिंग है। हाँ आई कैचिंग है, और भाई बेशक जैसे अगर आप पीछे से टेल लाइट एक बार चेकआउट करोगे ना बहुत ही ज्यादा मतलब अमेजिंग लगती है भाई मुझे तो ये चीज है। बाकी इससे अभी माइलेज कितना मिल रहा है? कुछ माइलेज तो अभी मिल रहा है अराउंड 20 से 23 के करीब, 20 से कम ही मिलता है क्योंकि सिटी में जब हम चलाते हैं ना तो वही है अच्छा नहीं दे पाता, अगर हाईवे पे चलाएंगे तो बेटर देगा, माइलेज बेटर दे देगा। तो भाई अच्छा एक बात बताओ, जब तुम TVS की ये बाइक लेने के लिए गए थे ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए में, मान सकता हूँ कि 3 लाख रुपए आप किसी बाइक के लिए खर्च कर रहे हो, तो TVS वालों का रिस्पॉन्स कैसा था, मतलब वो काफी आपको अच्छे तरीके से ग्रीट करा नहीं करा, या ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ आपके साथ? हाँ ये सब तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्स था वो तो ठीक ही था, मतलब बढ़िया था, कोई इशू नहीं है उसमें, कुछ उसमें नहीं है। तो भाई ये चीज भी आप लोग इंट्रोडक्शन सब बता दिया उन्होंने, क्या जो भी है, ट्रैक मोड है क्या है, रन बाकी सारी चीजें। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने कहा कि RC 390 पे और भी कोई रीजन था RC 390 पे ना जाने का? एक रीजन था कि वो क्या मतलब देखो हीट तो ये भी करती है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स RC 390 भी हीट करती है, मेरे को लगता है कि लोग बोलते हैं कि थोड़ा ज्यादा हीट करती है जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे लगा कि एक डिसएडवांटेज। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि भाई KTM ले लिया तो फैमिली वाले बोलेंगे कि लाइक कोई भी एक दोस्त बोलेगा कि छपरी है जो यार ये तरीका वो कल्चर बन चुका है। सच में ये चीज है नहीं, देखो जो KTM ले रहा है भाई वो भी तो पैसे दे रहा है, ऑब्वियसली सी बात है उसके भी पैसे जा रहे हैं, बिल्कुल तो सीधी सी बात है यार अपनी अपनी चॉइस होती है, अपने अपने तो ऐसे कह नहीं सकते हम। हाँ बट वही वाली बात है कि अगर मैं KTM लेता तो फैमिली वाले दिक्कत थे, तो भाई ये चीज भी एक प्लस पॉइंट है। अच्छा आज आपने इसकी फर्स्ट सर्विस कराई, तो फर्स्ट सर्विस में कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस की, मतलब एज जैसे कि मैंने काफी मेरे पास RS 200 है तो बजाज का जो मुझे सर्विस सेंटर का हिसाब किताब लगा, मतलब ठीक है कर देंगे नहीं करेंगे ऐसा है, TVS का कैसा लगा कि हाँ रिस्पॉन्स है उनका? ये है कि देखो कहीं भी ले रहे हो कहीं भी कोई सी भी सिटी में आप रहते हो, ठीक है, तो सीन ये है कि TVS के पहले तो वहाँ पे इंजीनियर्स कम है हर एक सिटी के शोरूम हिसाब से, और कहीं कहीं तो इंजीनियर्स ही नहीं है, ऐसी बाइक दे रहे हैं या ऐसी कर रहे हैं वो बोलते भी नहीं है वो लोग कि भैया हमारे पास इंजीनियर्स कम है या टाइम लगेगा। तो सीन TVS का ये है कि RR 310 के जो इंजीनियर्स अवेलेबल है वो बहुत कम है, लाइक एक दो है किसी शोरूम में, ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई टाइम लगना ही है, चार पांच बाइक आगे खड़ी हो जा रही है और मेरी बाइक लगी है 5वें नंबर पे तो टाइम लगना है। कम से कम ना जो एक बार रिटर्न हो चुका हूँ पहले भी सर्विस के लिए आया था बट नहीं हो पाया, दूसरी बार हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज बहुत जल्दी हो गया, एक चीज और आपने बोली थी RC 390 को लेकर के कि भाई उसका जो सीट हाइट है वो काफी ज्यादा है, हाँ। इसका कम है, तो आपकी हाइट कितनी होगी अगर अप्रोक्स, अगर मैं आइडिया लूं तो? मेरी हाइट है 5'5" 165 सेंटीमीटर। हाँ तो भाई एक बार आप इस पे बैठ के दिखा सकते हो कि कैसे आप एकदम आराम से आ जाती है, दिक्कत होती है कुछ?
तो भाई ये देख लो एक बार मैं, क्योंकि काफी लोगों को ना हाइट का जिनको इशू रहेगा ना, तो यार उन्हें थोड़ा होता है। मैं तो यही कहूंगा कि जूते ऐसे पहनो जैसे लाइक ऐसे ये जो सोल जिसके ज्यादा होते हैं। हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ सोल जिसका थोड़ा बड़ा सा हो, तो आराम से तुम बाइक को हैंडल कर पाओगे बिल्कुल इजीली। तो भाई ये चीज चेकआउट कर लो, भाई के दोनों पैर लग रहे हैं, हाँ पूरे पूरे नहीं आ रहे लेकिन ऑलमोस्ट कम से कम इतना है कि अगर इसको बाइक हैंडल करनी होगी ना तो ये बिना किसी दिक्कत के, हाँ आराम से ट्रैफिक में भी कर लूंगा। अच्छा भाई एक बात बताओ, इसकी क्या क्या चीजें तुम्हें पसंद आई? इसकी सबसे बेस्ट तो भाई ये जो पूरा ओवरऑल लुक है, ठीक है लुक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है लुक, लुक जबरदस्त। ओवरऑल जो इसके फीचर्स है सबसे बेस्ट तो इसका फीचर, मतलब इतने प्राइस रेंज में कोई ऐसा देता ही नहीं है। हाँ अभी तक तो नहीं देता, लेकिन अब आपको जो शायद RC 390 देखने को मिले, मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आप देखने को मिल जाएगी। तो इसका मीटर भी चेकआउट करा दो, कुछ इस टाइप का आपको मीटर मिलता है, फुल TFT डिस्प्ले है भाई, ऑलमोस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन आप ढूंढना चाहो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसके फर्स्ट सर्विस के बाद इसका जो है अर्बन, हाँ एक सेपरेट वीडियो बना देंगे तो हाँ वो चीज हम देख लेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। अच्छा भाई प्रॉब्लम्स लगी कुछ बाइक में अभी तक? प्रॉब्लम्स तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आई थी। क्या चीज भाई? फ्यूल इंजेक्टर खराब हो गया था। फ्यूल इंजेक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में? हाँ मतलब कैसे खराब हो गया, कोई था ये तो, या तो ये कह सकते हो मैंने पहली ऐसी बाइक ली है इस तरीके की, ये डिजिटल है, हाँ हाँ ठीक है, पहले जो चलाई थी वो RTR 180 थी, तो ऐसी थी नॉर्मल थी, हाँ हाँ, तो क्या पता मेरे चलाने में कहीं दिक्कत हो, हाँ हाँ, तो हमने मतलब भाई रास्ते में बंद हो गई बीच में। अच्छा फिर भी हम किस तरीके से ले गए साकिब और प्रशांत, हाँ बहुत भाई उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालूंगा चैनल पर, हमारी हालत खराब हो गई थी सच बता रहा हूँ, और सबसे रॉ सिनेरियो था अभी तक का, अभी तक किसी भी बाइक पे, किसी भी बाइक, फाइनली वो चेंज हो गया। उन्होंने बोला कि भाई देखो पेट्रोल लेवल जो होता है ना इन बाइक्स का, पेट्रोल लेवल हमेशा ऊपर रखना चाहिए, रेड पे आती है फ्यूल इंजेक्टर खराब होने के बहुत चांसेस, बहुत चांसेस। तो भाई अगर तुम बाइक ले रहे हो और भैया देखो तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है पेट्रोल डलवाने के तो मत लेना, साफ बात है, तो सही है बात, 390 मत लेना, ये भी मत लेना, ना निंजा लेना। अब तो ऑलमोस्ट हर बाइक्स में ही यार ये लोग फ्यूल इंजेक्टर दे रहे हैं, तो भाई वो तो चीज है भाई, सबसे वैसे R1V3 ले लो कम प्राइस में, बकवास भाई देखो वो अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा इसकी हेडलाइट के बारे में क्या कहना है, जो ये आपको प्रोजेक्टर लाइट्स रात में कैसा रिस्पॉन्स है, रात का बताओ? रात में मतलब वही है, बहुत दूर तक जो है इसका प्रेजेंस है, मतलब है कुछ पावर है LEDs में, मतलब आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी दे देती हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको BI टेक्नोलॉजी कुछ मिल जाता है, LED टेक्नोलॉजी, तो मे भी शायद वो काफी ज्यादा हद तक वर्क करने वाली है। यहाँ पर कुछ इसके DRLs भी आप लोग चेकआउट कर लो, इधर की साइड और उधर की साइड DRL जलते हैं, तो भाई ये चीज आप लोग देख सकते हो। सीट के बारे में क्या कहना भाई, कम्फर्ट कितना? बहुत सही है, मैंने RC 390 एक चीज के लिए और नहीं लिया था क्योंकि उसकी सीट हाइट 820 mm थी, थोड़ी सी बड़ी थी इससे, तो भाई देखो अगर तुम्हारा पैर नहीं पहुंचेगा तो तुम बाइक को बाइक हैंडल नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक तरफ कीचड़ भरा हुआ है उधर पैर रख नहीं सकते, और जिधर पैर रखना उधर से आपके पैर जाएंगे नहीं, तो उधर जब आपके पैर जाएंगे नहीं तो आप करोगे क्या? तो ये मत सोचना कि भैया मैं ले लूंगा सीट हाइट वो कर लूंगा बढ़ा लूंगा, ऐसा मत सोचना, पहले जाओ टेस्ट राइड लो, सबसे बेस्ट चीज, टेस्ट ड्राइव नहीं लोगे तो भाई कुछ पता नहीं लगेगा, कुछ पता नहीं लगेगा ये चीज। अगर बाइक उनके पास अवेलेबल नहीं है तो भाई मत लो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है बहुत, ठीक है वो ले लोगे तो तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा पूरा हिसाब किताब, ठीक है। जैसे एग्रेसिव थोड़ी सी आपको लगती है जैसे आप झुक के चला रहे हो तो कमर उमर में दर्द है? कोई कमर नहीं, सबसे ज्यादा हाथ जो दर्द होता है वो कलाई में दर्द होता है, इसको ऐसे राइट में ही होता है लेफ्ट में भी होता है, सिर्फ इसमें ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है राइट हैंड, बिल्कुल नहीं होता दर्द, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव लगती है या नहीं लगती है? जैसे जैसे अभी लास्ट टाइम तुमने V3 भी चलाई थी एक बार, V3 ज्यादा एग्रेसिव थी, ये थोड़ी कम है, कोई कमर दर्द कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। सीट का सीट सीट कंफर्ट के बारे में क्या कहना है, सीट कैसी है? सीट कंफर्ट भी बहुत सही है, बहुत ज्यादा। और पिलियन के लिए, पिलियन के लिए तो देखो यार कोई ठीक है, मदर मतलब क्या कहते हैं मदर और फादर को बिठाना थोड़ा सा मतलब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, एज फ्रेंड फ्रेंड रहे तो ठीक है, लॉन्ग टूर के लिए कैसी रहेगी अगर मैं बात करूं तो, लॉन्ग टूर के लिए कितना अच्छा रहेगा ये? लॉन्ग टूर के लिए तो भाई देखो मैंने करी नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं, हाँ लेकिन लगता है कि तुम हो पाएगी इस पर अच्छी खासी लंबी टूर, हो पाएगी आराम से, मतलब सिंगल बंदा अगर जाएगा तो कर सकता है, दो बंदे बैठेंगे तो भाई कोई ये है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो पकड़ के बैठ जाएगा आराम से, ठीक है, और अगर तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर लेडीज वेडीज है तो दिक्कत हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। टायर के ग्रिप के बारे में क्या कहना है भाई, क्योंकि इसके अंदर आपको रोड पायलट 5 मिल जाते हैं मिशलिन के, हाँ तो टायर की मैं बात कर रहा था, तो भाई यहाँ का मतलब इसका इसीलिए इन्होंने जो है पूरा का पूरा ये मोड दे रखा है, जैसे रेस हो गया, रेन हो गया, अर्बन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ट्रैक हो गया, तो अगर बारिश बारिश पड़ रही है और आपको लग रहा है कि आपके फिसल जाएंगे टायर या बहुत ज्यादा कीचड़ हो रहा है तो उस केस में रेन मोड करना एक्टिवेट, और रेन मोड से क्या होता है थोड़ा इसका वो हो जाता है, पावर थोड़ा डाउन हो जाता है, टायर ज्यादा पकड़ जाती है थोड़ी ज्यादा, ठीक है। और टायर जो है इसके भाई मिशलिन के वर्ल्ड सबसे बेस्ट टायर है, हाँ भाई ये चीज तो है भाई, मैंने भी इसे चलाया था, ग्रिपिंग बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई आपको इशू नहीं होने वाला, जहाँ रोकोगे ब्रेक मारोगे वहीं खड़ी हो जाएगी। सस्पेंशन के बारे में क्या कहना, सस्पेंशन कैसे है, कोई दिक्कत नहीं, झटकट के लगते हैं, बड़े जितने भी लूप जो गड्ढे होते हैं ना उसको भी करके देख चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती, और ना इसका सिलेंडर होता है, ऐसे निंजा 300 में क्या होता है उसका थोड़ा
वो क्या बोलते हैं, ग्राउंड क्लीयरेंस कम है, ग्राउंड क्लीयरेंस कम है। हाँ हाँ, तो लगती है वो, लगती है। अच्छा, ये ब्रेकर्स स्पीड ब्रेकर्स पे लगती है या नहीं लगती? नहीं लगती बिल्कुल भी नहीं। चाहे नॉर्मल ब्रेकर हो या जैसे हैंडमेड होते हैं, काफी लोग मतलब अपने बच्चों के मतलब सेफ्टी के लिए बना देते हैं गली में बड़ा बड़ा सा ब्रेकर, तो लगती है नहीं? तेज से तो बात अलग है, एज अगर आप नॉर्मल स्पीड जा रहे हो 10-20 की स्पीड पे तो लगेगी? नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। तो भाई ये चीज आप देख लो। अच्छा भाई देखो, अपाचे तो तुमने ले ली, लेकिन इसके अंदर कमियां भी ऑब्वियस सी बात है कि हो गया, अभी तक आपने चलाया तो कमी लगी है इस बाइक के अंदर की कोई चीज की, ऐसी कोई कमी हो कि हाँ यार मतलब ये चीज बेकार है इस बाइक के अंदर? तो भाई कमी की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने वही बताया कि देखो भाई बाइक आप लोगे तो एक सबसे बड़ी बात की भाई ये डिजिटल है पूरा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपने क्लच दबा के रखा, जैसे मैं गलती कर रहा था तो उन्होंने मेरे को बताया, तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को इनको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अगर ये नहीं ध्यान रखोगे ना तो भाई इस बाइक का सीन हो जाएगा, मतलब वही वाली बात है, थोड़ी प्रॉब्लम मतलब आपको देखने फेस करने को मिलेगी। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गई एक नेक्स्ट बात। बड़ी बात ये भी है कि देखो भाई, और अगर तुम्हारे पास पार्किंग स्पेस है तो ही इस बाइक को लेना, क्योंकि भाई इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा रखना पड़ता है। अगर गिरी नहीं, कहीं से भी गिरी तो ये पूरा डिजिटल है, अगर यहाँ से गिरी तो भाई पूरा का पूरा सीन खराब हो जाएगा, ये फ्यूल इंजेक्टर या कुछ भी होगा, मतलब खराब हो सकती है वो चीजें। अच्छा भाई बताओ, तो अगर मैं आपको एक ऐसी चीज बोलूं, लाइक ये बाइक आपने ली, इसके अंदर कोई ऐसी चीज है कि जिसे आप चेंज कराना चाहो, जैसे लाइक ये एग्जॉस्ट हो गया, सबसे बड़ा जो चेंज है वो एग्जॉस्ट है, ये इसी मतलब बहुत बेकार लगता है, बहुत ज्यादा ही बेकार लगता है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो अपकमिंग अपाची है उसमें भी, उसमें तो उन लोगों को करने कर देना चाहिए था मेरे साथ, बट उन्होंने भी नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे साथ, ये करना चाहिए था, ये बहुत बड़ा वो, बट ये भी है देखो यार सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग इसको चेंज करके थोड़ा अच्छा छोटा सा लगा देते या साउंड अच्छा लगा देते तो भाई ये इस प्राइस में किलर हो जाता, पूरे मार्केट की एसएससी कर देता, ये कह लो। हाँ, ये भी बात ये है कि इन्होंने नहीं लगाया, तो देखो और भी ब्रांड बिक रहे हैं, अच्छी बात। अच्छा। नहीं तो भाई 291,000 में एग्जॉस्ट की कमी है बस एग्जॉस्ट, कुछ भी नहीं है बाकी, कुछ भी बाकी सब ओवरऑल एकदम परफेक्ट। ब्रेकिंग के बारे में क्या कहना भाई? ब्रेकिंग तो एकदम पावरफुल, मतलब जबरदस्त, जहाँ ब्रेक मार के बारिश हो रही है, कैसा भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि टायर ही मिशलिन के है ना। हाँ, तो ये अच्छा, मतलब मिशलिन का भी फायदा हो जाता है, और एबीएस तो भाई है ही, खतरनाक है इसका, बहुत खतरनाक। अच्छा भाई, इसके साइड व्यू मिरर के बारे में क्या कहना है? लाइक जैसे कि क्या होता है ना, जब भी हम फेयर्ड बाइक ले, नॉर्मली बाइक लेते हैं ना, उसमें आधे शीशे में तो सिर्फ और सिर्फ हमारा हाथ दिखाई देता है, और आधे में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अच्छा खासा मतलब विजिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि इसके हिसाब से जितना एंगल आपको बढ़ाना है, जैसे ऐसे बढ़ा लो, इधर कर लो, उधर कर लो, जिस हिसाब से ऐसा करना है वैसे आप करके देख सकते हो, और पीछे का व्यू भी एकदम सही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइब्रेशन के बारे में क्या कहना है भाई? वाइब्रेशन है थोड़ी बहुत, हाई एंड पे ज्यादा पता लगती होंगी, थोड़ा चलाओगे फास्ट, ज्यादा पता लगेगी, ज्यादा पता मतलब वाइब्रेशन लगती है, लगती है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए उस वाइब्रेशन, क्योंकि यार 3,00,000 रुपए देने के बाद भी अगर थोड़ी वाइब्रेशन है, देखो कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जैसे अभी यहाँ कॉम्प्रोमाइज ना करो। हाँ ठीक है, मैं सोच रहा था एग्जॉस्ट लगा दूं, बट यहाँ पे पुलिस वाले दिक्कत करेंगे। हाँ ये भी बात है इंडिया में, और भाई ये तो चीज है। अच्छा एक बात बताओ, सेटिस्फाई कितना हो अगर आपने 3,00,000 रुपए इस बाइक पे खर्च किए? कभी ऐसा दिमाग में ख्याल आया कि नहीं यार मैंने क्यों खर्च कर दिए इस बाइक पे पैसे? अभी तक एक बार याद था जब इसका फ्यूल इंजेक्टर खराब हो गया था, बस अब वो एक भाई अब फॉल्ट पे भाई हो सकता है, क्या पता बाइक में ही वो कमी हो गई हो, या फिर फर्स्ट टाइम हमने रखी है तो मे बी गलती करी हो, क्या खैर। लेकिन भाई ये चीज थी बढ़िया टीवीएस की, मुझे ये चीज बढ़िया लगी कि उन्होंने फटाफट से चेंज कर दिया अंडर वारंटी, बट बात सेकंड टाइम के लिए उन्होंने बस ये बोला कि आप थोड़ा सा इसमें फ्यूल ज्यादा रखो, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आई। मैं इसको रेड पे रखता था कभी कभी, मैंने भी नोटिस किया। हाँ हाँ, तो भाई ये चीज हो जाती है, जिसके पास फर्स्ट टाइम ऐसी बाइक आती है ना उसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है भाई। मैं वही कह रहा हूँ, बाइक ले रहे हो ऐसी वाली जो डिजिटल टाइप है, भैया पेट्रोल भरवाने के पैसे होने चाहिए, पैसा वरना मत लेना, वरना मत लेना, ये भी बात सही है। अच्छा एक बार और चीज पे आ जाते हैं, इसकी जो ये टीएफटी है तो मैं कितनी ज्यादा काम की लगती है? टीएफटी बहुत बहुत सही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन की ऐसा लगता है कि नहीं यार इस चीज की कमी है, ये चीज इनको देनी चाहिए, सबसे बेस्ट है, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। अच्छा लीवर्स के बारे में क्या कहना है? अगर तुमने अपाचे में देखा होगा 200 में तो वो एडजस्टेबल देते हैं, और ये 3,00,000 रुपए की होकर के नहीं मिलती, मतलब कोई लगता है कि यार ये चीज देनी चाहिए या फिर चल जाता है काम? चल जाता है काम, बस ये थोड़े हाथ में दर्द हो जाता है ना, मैंने ये चीज महसूस करी है। मैंने एक बार मतलब जब मैं इसे चलाता था ना तो भाई ये चीज की थोड़ी मुझे दिक्कत आती थी। और बाकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना बाइक में? कहीं पे भी ऐसी लगता है अनफिनिश है या फिर बाकी सारी चीजें? सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यही था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। भाई अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।